बिना लड़े ये कानून रद्द नहीं होंगे। और यह भी जान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन कानूनों को रद्द नहीं कराएगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही डर है कि अगर ये कानून रद्द हो गए तो कौन उनके पास जाएगा, उनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। नेताओं के पास आप क्यों जाते हैं? नेताओं के पास आप तब जाते हैं जब इनकम टैक्स वालों ने फंसा दिया, सेंट्रल एक्साइज वालों ने फंसा दिया। किसी नेता के पास आप पकड़ेंगे, उसको 10-20,000, 50,000, 1,00,000 देंगे, भैया इसमें से छुड़ा दो। जब ये चक्कर ही नहीं रहेगा तो नेताओं की पूछ कैसे होगी? इसलिए कोई पार्टी तैयार नहीं है ये रद्द कराने। ये तो हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं, इसकी मार मैं खा रहा हूं। नेताओं पर इसकी मार नहीं पड़ रही, इसलिए उनको दर्द नहीं है। कानून रहे तो रहे, चले जाएं तो चले जाएं, ये मार आप पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ रही है, इसलिए मुझे और आपको करना पड़ेगा। कोई और नहीं आके करेगा, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आएगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। भगवान भी इसी का साथ देता है जो पुरुषार्थी होता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो चादर तान के सोता रहता। पुरुषार्थी बनना पड़ेगा आपको, और ऐसे गलत व्यवस्थाओं के कानून आपको रद्द कराने पड़ेंगे।